बंधुओं और बहनों, ये ध्यान और योग की ताकत अध्यात्म के क्षेत्र में, और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर कह रहे हैं, और वो मुक्ति का मार्ग तपस्या को बता रहे हैं। उस तपस्या के भी आंतरिक छह भेद में आखिरी जो है वो ध्यान और विसर्ग कायोत्सर्ग को स्थान मिला। आज हम देखते हैं दादाजी के मार्गदर्शन में, योग ऋषि बाबा रामदेव जी के मार्गदर्शन में, डॉक्टर एचआर नागेंद्र जी के मार्गदर्शन में, या चाहे अहिंसा विश्व भारती के अहिंसा योग और मेडिटेशन सेंटर के माध्यम से, हमने इस कोरोना काल में भी देखा। और मुझे ये कहते हुए सात्विक प्रसन्नता है कि जितने लोग सेंटर पर अभ्यास करने के लिए आते थे, अभी तक ऐसा एक उदाहरण नहीं मिला कि जो कोरोना से ग्रसित हुआ हो, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी प्रतिरोधात्मक क्षमता को शक्तिशाली बनाने का माध्यम भी जो है वो योग के अंदर छिपा हुआ है। जिस समय हम प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, ये सारे के सारे वे प्रयोग हैं जो हमारे शरीर की फेफड़ों की क्षमता, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करने की है, उसको भी विकसित करते हैं और हमारे भीतर के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं। इस दृष्टि से कोरोना काल में, अभी हमारी बहन एकता जी चर्चा कर रही थी कि मुनि जी सदैव मास्क लगाते हैं, पहले मुझे अनेक लोग पूछा करते थे ये क्या लगा रखा है, आजकल सड़क पर जाए ये नहीं लगाया हो तो पुलिस वाला पूछता है कि ये क्यों नहीं लगा रखा है। हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षि पतंजलि हो, भगवान महावीर हो या अनन्य महापुरुष हो, उन्होंने सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व जिस सत्य का साक्षात्कार किया था, वे केवल आध्यात्मिक महापुरुष ही नहीं, महान मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक पुरुष थे। वैज्ञानिक लोग प्रयोगशालाओं में उपकरण के माध्यम से सत्य की खोज करते हैं, और महर्षि पतंजलि जैसे, भगवान महावीर जैसे ऋषि मुनियों ने अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बना डाला, और उन्होंने जिस सत्य का साक्षात्कार किया वो हमारे सामने प्रस्तुत किया। उनके द्वारा प्रस्तुत योग का जैन धर्म में कितना प्राचीन रूप स्वरूप है। मुझे जब प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यूनाइटेड नेशंस में सन 2015 में 21 जून को संबोधित करने का अवसर मिला, मैंने निवेदन किया था कि जैन परंपरा में भगवान ऋषभ से लेकर भगवान महावीर तक जितनी भी प्रतिमाएं मिलती हैं, वे सारी की सारी ज्ञान और योग की मुद्रा में मिलती है। कहीं पर वो कायोत्सर्ग की मुद्रा में है, कहीं पर पद्मासन की मुद्रा में है, कहीं पर वज्रासन की मुद्रा में है, कहीं पर अर्ध पद्मासन की मुद्रा में है, यानी कि ये योग हमारी हजारों वर्ष की प्राचीन महान विरासत है। आज उस विरासत को, मुझे इस बात की खुशी है कि दादाजी के सानिध्य में, मार्गदर्शन में, दादाजी के निर्देश में जिस तरह से पूरी दुनिया में इसको ले जाने का प्रयास हो रहा है, और यूनाइटेड नेशंस में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा और सैकड़ों देशों ने उसका समर्थन किया, और आज पूरी दुनिया में योग और ध्यान के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है, खासकर इस कोरोना काल में अब लोगों को और अधिक समझ में आने लगा है
कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें योग और ध्यान की दिशा के अंदर अपने जीवन में, अपनी जीवन की दिनचर्या में उसे स्थान देना जरूरी है। मैं जैन परंपरा की ओर से ये बात अवश्य प्रस्तुत करना चाहूंगा, एक सन्यासी के लिए ये विधान है कि वो कोई भी क्रिया करके, जैसे कि मान लीजिए बाहर नेचर स्कॉल के लिए गया, लौट के आता है, सबसे पहले उसे कायोत्सर्ग करना होगा। दीक्षा के लिए गया, लौट के स्थान पर पहुंचता है, सबसे पहले कायोत्सर्ग करना होगा। यानी कि जीवन के अंदर वो एक ऐसा अंग दिनचर्या के अंदर जुड़ गया और निश्चित रूप से यह अपने आप के अंदर, क्योंकि जब तक जीवन में योग और ध्यान नहीं है हम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते, वेद विज्ञान की अनुभूति नहीं कर सकते और आत्मावलोकन करने का, आत्मचिंतन करने का, आत्म प्रतिलेखन करने का, जैन परंपरा में एक शब्द आता है प्रतिक्रमण, जो एक साधक के लिए दोनों समय प्रातः और संध्या में करने का एक विधि है उपासना की एक, लेकिन उसका जो मूल हार्द है वो हार्द यही है कि हम आत्मावलोकन, आत्मचिंतन, आत्म प्रतिलेखन, लेकिन मैं योग और ध्यान के क्षेत्र के साधकों को ये अपने अनुभव की कुछ बात भी बताना चाहूंगा। सभी लोग चाहते हैं कि हम मन पर नियंत्रित करें, मन को कंट्रोल में कर लें, किंतु जब सम्यक अभ्यास नहीं होता है और सीधा मन को कंट्रोल करने जाता है तो कई बार कठिनाई उत्पन्न होने पर पलायन भी कर जाता है साधक। मैंने एक युवक से पूछा, मेडिटेशन करते हो? उसने कहा, गुरुजी पहले करता था। तो मैंने कहा, अब क्या हो गया? बोले, नहीं गुरुजी, जब पहले नहीं करता था सब कुछ मामला ठीक ठाक था, जब से मैं मेडिटेशन करने लगा हूं जो विचार कभी नहीं आते थे वो सारे उस समय आने लगे।